Hello everyone, I'm Professor M. D. Tate from CEO in the 20th lecture of Industrial Asymmetry subject. So my dear students, we have discussed the EMF equation in the last lecture, right? So this is the EMF equation, right? EMF equation of the alternator. So we have already derived this EMF equation in the last lecture. The final formula we are getting after dividing the deriving this equation is 4.44 kc kd. Kc means coil span factor, kd means distribution factor, kf means form factor, f phi t, t means turns per phase, right? So this is the final formula we have derived, that is the EMF equation of the alternator. Then we have solved some examples on this EMF equation. Three examples we have already solved in the last lecture, right? So the three examples. Now in today's lecture also, we are going to solve some few examples on this EMF equation, right? Because these examples are very, very important in the point of your examination. So that's why we are practicing more examples in these lectures, right? ये बहुत ही important है examples, आपके main exam में सारे examples ये पूछे गए हैं, ठीक है? तो इसके वजह से मैंने ये examples यहाँ पे आपको solve करके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत ही examples main है, ये चार चार mark के लिए example आपके main exam में पूछे गए हैं सारे examples, ठीक है? तो जो भी बुक में और सारे बहुत सारे एग्जांपल्स है उसको भी आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है? और उसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? सो नाउ विल सी द फोर्थ एग्जांपल. तो ऐसा एग्जांपल दिया है, फोर पोल थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर. फोर पोल दिए हैं, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है अपना अल्टरनेटर. आर्मेचर हैज 12 स्लॉट्स, उसके आर्मेचर के 12 स्लॉट्स है, उसके आर्मेचर में 12 स्लॉट्स है, 12 स्लॉट्स है, विथ 24 कंडक्टर्स पर स्लॉट. और एक स्लॉट में 12 स्लॉट्स है अपने पास आर्मेचर स्लॉट्स, और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर्स है अपने, 24 कंडक्टर्स है पर स्लॉट. एंड द फ्लक्स पर पोल इज 0.1 वेबर, साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. और वहां का फ्लक्स पर पोल दिया है आपका 0.1 वेबर है, तो साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? नाउ कैलकुलेट द लाइन ईएमएफ जनरेटेड एट 50 हर्ट्ज. हमें लाइन ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है 50 हर्ट्ज पे उसको कैलकुलेट करना है. एंड हियर लास्ट सेंटेंस दिया है, अज्यूम फुल पिच कॉइल्स. वहां के अपने जो कॉइल्स है वो फुल पिच कॉइल्स है. अभी ये टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में हमने ऑलरेडी देखा है, सिंगल लेयर डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है, देन लैप एंड वेव वाइंडिंग क्या होती है, देन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, एंड लास्ट में हमने फुल पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है, और ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, ठीक है? सो नो नीड टू गो मच इन डिटेल्स अबाउट दिस फुल पिच कॉइल्स, राइट? सो पहले तो हमें गिवन डेटा लिखना है. यहाँ पे क्या क्या दिया है देखो, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर दिया है अपना, फिर से स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है. नंबर ऑफ पोल्स दिए हैं उसमें के 4 दिए हैं. टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दिए हैं, 12. कंडक्टर्स पर स्लॉट की वैल्यू कितनी दी है, 24, यानी 12 स्लॉट्स है आर्मेचर के ऊपर, और वो 12 स्लॉट्स में हर एक स्लॉट में वहां पे कितने कंडक्टर्स है, 24, ठीक है? देन फ्लक्स पर पोल पाई की वैल्यू दी है 0.1 वेबर है, फ्रीक्वेंसी दिया है वहां का 50 हर्ट्ज है, एंड फुल पिच कॉइल एज्यूम करने हैं तो पिच फैक्टर कितना रहेगा अपना, केपी इज इक्वल टू 1. फुल पिच कॉइल है तो ध्यान में रखो, फुल पिच अगर कॉइल है तो डायरेक्टली केपी की वैल्यू 1 लेना है एग्जांपल, ठीक है? समझ में? तो दिस इज द गिवन डेटा. नाउ हाउ विल सी हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल, राइट? सो यहाँ पे दिया है देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पहले निकालना होगा अपने, तो केडी की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू निकालनी है, यानी एम की वैल्यू. एम यानी स्लॉट पर पोल पर फेज. तो एम एम इज इक्वल टू स्लॉट्स कितने हैं अपने, स्लॉट्स 12 है, ठीक है? पर पोल, पोल कितने हैं अपने 4,
एंड पेजेस कितने होते हैं आपके, 3, सो 12 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, सो 12 डिवाइडेड बाय ये 3 ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू 3 तो 12 ही रहेगा, तो 12 12 कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी आपने को, 1। समझ लो m ची वैल्यू कशी काढली, m म्हणजे आपला स्लॉट्स पर पोल पर फेज असतं, आणि स्लॉट्स किती दिलेत आपल्याला, 12 दिलेत, नंतर आपले पोल्स दिलेले 4 आणि डिवाइडेड बाय 3, 3 पेजेस असतात, ठीक आहे। म्हणून हा 3, आता इथं 2 डिनॉमिनेटर आहेत, ठीक आहे, त्यामुळे हा 3 वरती जाईल इथं, म्हणजे 4 त्रिकोण 12 होईल आणि हे 12, तो 12 12 काय झाले, कॅन्सल झाले, म्हणजे एम ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, 1। आता स्लॉट्स पर पोल ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करू आपण, स्लॉट्स पर पोल यानी एन, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्लॉट्स कितने हैं अपने 12 और पोल्स कितने हैं अपने 4, तो स्लॉट्स पर पोल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 × 3 = 12, तो 3 आ गया, ठीक है। उससे हम स्लॉट एंगल बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, बीटा का फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने, 180 / n, एन यानी आपका पोल पिच, पोल पिच यानी स्लॉट पर पोल, ठीक है, तो 180 / 3, तो बीटा की वैल्यू आ गई आपकी स्लॉट एंगल की 60 डिग्री। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को निकाल सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, साइन ऑफ एम बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाई एम साइन ऑफ बीटा बाय 2, वैल्यू पुट करो इसमें, साइन ऑफ एम की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 1 इंटू बीटा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 इंटू एम की वैल्यू 1 इंटू साइन ऑफ फिर से 60, बीटा की वैल्यू 60 है डिवाइडेड बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड किया 60 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30, तो साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, रिजल्ट क्या आएगा अपना, 1, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आ गया अपना, 1, ठीक है, यानी के डी की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आया, ये सिंपल है। अभी निकालना है हमें फेज ई एम एफ की वैल्यू, फेज वैल्यू ऑफ ई एम एफ, ठीक है, तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स को निकालना होगा, तो ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स और कंडक्टर्स पर स्लॉट की वैल्यू हमें ई है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू कंडक्टर्स पर स्लॉट, तो जेड इज इक्वल टू 12 × 24, यानी टोटल कंडक्टर्स कितने होंगे अपने पास, 280 है। उससे हम नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं अपने, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स 280 है डिवाइडेड बाय फेज पर फेज यानी 3 फेजेस है, तो कितना आएगा रिजल्ट, 96। ये हो गया आपकी नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज की वैल्यू। अभी नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी अपने को मालूम है दो दो कंडक्टर से एक टर्न बनती है आपकी, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज यानी नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स कितने आए हैं अपने, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, तो यहाँ पे कितने कंडक्टर्स है अपने, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज के 96 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो विल गेट द वैल्यू 48, क्योंकि दो कंडक्टर से आपकी एक टर्न फॉर्म होती है, दोन कंडक्टर पासून आपली एक टर्न बनत असते, त्यामुळे इथं 2 ने याला डिवाइड केलं आपण, तर नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज वैल्यू म्हणजे टी फेज वैल्यू किती आली आपली, 48। आणि मग आपल्याला फॉर्म्युला तर माहितीच आहे, आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड इन ईच फेज वाइंडिंग इज गिवन बाय ई फेज इज इक्वल टू 4.44 के पी के डी एफ इंटू पाय इंटू टी, याच्यामध्ये वैल्यू पुट करा, 4.44 के पी ची वैल्यू किती आहे, फुल पिच कॉइल्स असल्यामुळे 1 घेतली, के डी ची वैल्यू सुद्धा 1 आलेली आपली, फ्रिक्वेन्सी किती दिली आपली 50 हर्ट्स, इंटू पाय ची वैल्यू किती दिलेली आपल्याला 0.1, अँड टी ची वैल्यू किती आ गई आपली, टर्न्स पर फेज की वैल्यू 40 आहे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ई फेज की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1065.64, ये हो गई ई फेज की। लेकिन ई फेज की वैल्यू नहीं पूछे हमें, लाइन ई एम एफ जनरेटेड एट 50 हर्ट्स, ये फेज वैल्यू हो गई इंड्यूस ई एम एफ की, फेज वैल्यू। अभी इंड्यूस ई एम एफ की लाइन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है तो रिलेशन मालूम है स्टार के अपने को, ई फेज इज इक्वल टू ई एल बाय √3 लेते हैं अपन, तो ई एल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, √3 इंटू ई फेज, समझ लो,
कारण व्ही फेज इज इक्वल टू व्ही एल बाय रूट थ्री म्हणतो आपण स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन साठी रिलेशन. ठीक आहे, म्हणजे व्ही म्हणजे तिथं ई फेज घ्यायचं आहे, व्ही फेज म्हणजे, आणि व्ही एल म्हणजे इथं ई एल घ्यायचं आहे, कारण इंड्यूस ई एम एफ हे माहिती आहे आपल्याला एक प्रकारचं व्होल्टेज असतं. ठीक आहे, सो लाईन ई एम एफ ई एल चा फॉर्म्युला काय लिखा आपण, रूट थ्री इंटू ई फेज, रूट थ्री इंटू ये ई फेज की वैल्यू आई है आपकी 1065.6. तो इसको सॉल्व करोगे आप तो फाइनल रिजल्ट में आंसर आएगा आपका 1845.67. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक ही सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को और छोड़ देते हैं. अगर यहाँ तक एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे ई फेज तक, तो आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे 4 आउट ऑफ. ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए लाइन ई एम एफ सॉल्व करने के लिए 1 मार्क होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन से बिट को कितना मार्क्स आपके मॉडल आंसर में दिए गए हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ एग्जाम्पल. समझ में आया एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अभी. फिफ्थ एग्जाम्पल है अपना, थ्री फेज सिक्स पोल. तीन फेजेस है अपने पास, सिक्स पोल है, यानी पी की वैल्यू 6 दी है. फिर से स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, रिवॉल्व साइड, वहां की स्पीड दी है अभी 1000 RPM, यानी एनएस की वैल्यू होगी आपकी 1000 RPM. देन स्टेटर हैज एनएस, यानी एन लेना है यहाँ पे आपको. ठीक है, एन लेना है, एन की वैल्यू. सो दी स्टेटर हैज 90 स्लॉट्स. अभी स्टेटर पे कितने स्लॉट्स है अपने, 90. एंड कंडक्टर्स पर स्लॉट, यानी वो 90 स्लॉट्स में हर एक स्लॉट में, ठीक है, 90 टोटल स्लॉट्स है अपने अपने पास 90, और वो हर स्लॉट में 8 कंडक्टर्स है आपके, 8 कंडक्टर्स पर स्लॉट. दी फ्लक्स पर पोल इज, वहां का फ्लक्स पर पोल दिया है 0.05 वेबर, साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूट. कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज, यहाँ पे फेज वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड लाइन वोल्टेज जनरेटेड बाय दी मशीन. दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला है उन्होंने, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज. इफ द वाइंडिंग फैक्टर इज, वहां का वाइंडिंग फैक्टर दिया है अभी 0.96, सॉरी. तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल. ठीक है, अभी गिवन डेटा लिखना होगा आपको. एग्जाम्पल कभी भी सॉल्व करते हो तो एग्जाम्पल को आप केयरफुली रीड करना है पहले तो, और केयरफुली रीड करके आपको उस एग्जाम्पल में क्या क्या गिवन डेटा दिया है वो लिख के लेना, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला बाद में यूज करना. ठीक है, तो गिवन डेटा में हम पाई की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 0.0 यहाँ पे दी है देखो, 0.05 वेबर. पोल कितने दिए हैं, पी की वैल्यू 6 दी है, एन की वैल्यू दी है 1000 RPM, एंड केसी यानी वाइंडिंग फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर, ठीक है, कितना दिया है, 0.96. केसी की वैल्यू 0.96, क्लियर. और पूछा क्या गया है अपने को निकालने के लिए, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज. ठीक है, तो पहले तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पी एन डिवाइडेड बाय 120. सो पी कितना दिया है, 6 × 1000, एन की वैल्यू दी है 1000, सो पी एन डिवाइडेड बाय 120, तो फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा अपना, 50 हर्ट्ज. अभी पोल पिच की वैल्यू निकालेंगे वहां से, तो पोल पिच 90 डिवाइडेड बाय 6. 90 कितने स्लॉट स्टेटर पे स्लॉट्स है अपने, 90 डिवाइडेड बाय 6, 6 पोल भी है अपने. ठीक है, स्लॉट पर पोल बोलते हैं पोल पिच की डेफिनेशन को. ठीक है, पोल पिच की डेफिनेशन क्या बोली थी अपन ने, स्लॉट्स पर पोल. तो स्लॉट्स कितने हैं अपने, 90 डिवाइडेड बाय पोल्स कितने हैं, 6. तो कितना आ जाएगा पोल पिच, 50. उससे आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो. बीटा यानी स्लॉट पिच एंगल है अपना, स्लॉट पिच एंगल. तो बीटा का फॉर्मूला क्या देखे थे अपन ने, 180 डिवाइडेड बाय 15. सो कितना आ जाएगा ये, 12 12 डिग्री. ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय n लेते हैं, यानी यानी आपका पोल पिच रहेगा. ठीक है, सो 180 डिवाइडेड बाय 15 यानी 12 डिग्री आ जाएगा बीटा की वैल्यू. उससे हम यम की वैल्यू निकाल सकते हैं. यम यानी अपना नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू होगी. तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दिए हैं, 90 डिवाइडेड बाय पर पोल. पोल कितने दिए हैं, 60 × पर फेज.
डिवाइडेड बाय है, लेकिन ये यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 90 डिवाइडेड बाय 6 × 3 यानी m की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 5। क्लियर है? तो यहाँ तक सॉल्व करोगे आप तो आपको यहाँ पे आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया है, 4 मार्क का मार्क के लिए एग्जाम्पल आपके मेन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन से आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे कितना सॉल्व करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यम तक आप सॉल्व करोगे, यम की वैल्यू निकालने के बाद आपको मिलेगा आधा मार्क यहाँ। अभी केडी की वैल्यू निकालेंगे, केडी का फॉर्मूला क्या है अपना, साइन ऑफ यम बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई यम साइन ऑफ बीटा बाई टू। इसमें वैल्यू पुट करो, केडी इज इक्वल साइन ऑफ यम की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 12 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 साइन ऑफ 12 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करो तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5226। इसको सॉल्व करोगे तो के डी की वैल्यू आएगी 0.956। अभी ध्यान में रखो, ये के डी के सी यानी आपका कॉइल स्पैन फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसकी वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में ही आनी है। यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं तो भी आपका एग्जांपल गलत हो गया। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही आनी चाहिए। एंड फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट है, वो 1.11 आनी है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, समझ में आया? ये 3 फैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। तो केडी की वैल्यू निकालने के बाद फिर से आपको आधा मार्क मिलेगा, यानी ये आधा और ये आधा कितना ये हो गया, 1 मार्क यहाँ पे मिल गया आपको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद। नाउ हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज यानी जेड पर फेज। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फेज है तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दिए हैं, 90 इनटू कंडक्टर्स पर स्लॉट कितनी है ये वैल्यू, 8। 90 × 8 डिवाइडेड बाई 3 तो 240 आ गए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। अभी टर्न्स पर फेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जेड पी एच को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 कंडक्टर से आपकी 1 टर्न बनती है। तो टर्न पर फेज यानी पी फेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड करना है। सो 240 डिवाइडेड बाई 2 यानी 120। तो ये जेड फेज की वैल्यू निकालने के बाद फिर से आपको एक आधा मार्क मिलेगा, और टी फेज की वैल्यू निकालने के बाद फिर से आपको आधा मार्क मिलेगा। तो यहाँ तक सॉल्व करोगे आप तो 2 मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, ई फेज इंड्यूस ईएमएफ फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो ई फेज का फॉर्मूला मालूम है, 4.44 f × t, f यानी आप फ्रिक्वेंसी, टी यानी टर्न्स पर फेज, इंटू के सी इंटू के डी, के सी यानी कॉइल स्पैन फैक्टर और के डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो वैल्यू पुट करो इसमें, ई फेज इज इक्वल टू 4.44 इंटू 5 की वैल्यू कितनी है, 0.05 इंटू इंटू फ्रिक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्स दिया नहीं है, पर कैलकुलेट किया है ऊपर 50 हर्ट्स। इंटू टर्न्स पर फेज की वैल्यू कितनी आई है, 120। इंटू के सी की वैल्यू कितनी दी है, 0.96। एंड के डी की वैल्यू कितनी आई है अपनी, 0.956 है। तो ये इस यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद फिर से आपको आधा मार्क मिलेगा। एंड इसको कैलकुलेट करोगे आप तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे ई फेज का 1227.18। तो यहाँ पे आधा मार्क मिलेगा और ये एक पर मार्क बन जाएगा, यानी ई फेज तक सॉल्व करोगे आप तो आपको कितने मार्क मिलेंगे, ये आधा 1, ये आधा 2, ये आधा और ये आधा 3। ठीक है, और यहाँ पे 3.5 मार्क यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, अभी लाइन फेज वोल्टेज और फिर लाइन वोल्टेज भी पूछा है आपको, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। तो ई एल का फॉर्मूला मालूम है, √3 × फेज वोल्टेज ई फेज। तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे ई एल की वैल्यू आ जाएगी 21.25.55 वोल्ट, और ये आपका फाइनल आंसर होगा एग्जाम्पल का, इसको आधा मार्क होगा। वैसे 4 मार्क आपको, तो 4 मार्क के लिए आपके मेन एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछा गया था। ठीक है, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये इसी की वजह से मैंने यहाँ पे
आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ एग्जाम्पल। कई डाउट है सोपे एग्जाम्पल्स है, फक्त है फॉर्मुले तुम्हाला पार्ट ठेवणं गरजेचं आहे। ठीक है, म्हणजे बीटाचा फॉर्मुला, नंतर हा यमचा फॉर्मुला, पोल पिचचा फॉर्मुला, पीडीचा फॉर्मुला, ठीक आहे, झेड फेजचा फॉर्मुला आणि ई फेजचा फॉर्मुला, असे काही फॉर्मुले आहेत, हे एक 7-8-10 फॉर्मुले असतील, ते तुम्हाला पाठ करायचे। ठीक आहे, कारण ते ऑलरेडी आपण डिराईव्ह केलेले आहेत फॉर्मुले आज लेक्चर्स मध्ये। ठीक आहे, कोणाला समजला नसेल तर ते व्हिडिओ एकदा परत पहा, जेणेकरून तुम्हाला ते डाऊट्स क्लिअर होतील तुमचे। ठीक आहे, कारण हे अतिशय इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स आहेत, 100% अशा टाईपचं एखादं एक्झाम्पल तुमच्या मेन एक्झाम मध्ये विचारलं जातं। ठीक आहे, नाउ विल सी नेक्स्ट एक्झाम्पल, दॅट इज सिक्स्थ एग्जाम्पल, अ थ्री फेज 50 हर्ट्स, अ थ्री फेज 50 हर्ट्स अँड पोल अल्टरनेटर हॅज अ स्टार कनेक्ट ट्रेड वाइंडिंग विथ 120 स्लॉट्स एंड 8 कंडक्टर्स पर स्लॉट। क्या क्या दिया है, थ्री फेज का अल्टरनेटर है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिए है, एंड पोल, पोल यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल में जहाँ पे पोल्स एक नहीं दिए होते हैं, वहां पे आपको पोल्स जूम करने होते हैं। आप पोल्स, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि पोल्स अज्यूम करते हो कभी भी आपको इवन नंबर में अज्यूम करने हैं। ठीक है, यानी 4 पोल ले लो, या फिर 8 पोल ले लो, 6 पोल ले लो, 12 पोल ले लो। ठीक है, तो ऐसे अज्यूम करके आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पोल नहीं दिए हैं, तो इस एग्जाम्पल को गलत बोलते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं एग्जाम्पल को, और बोलते हैं कि हमें फुल मार्क्स देने चाहिए एग्जामिनर में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पोल्स अज्यूम करके उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तभी आपको ये मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोल मेंशन नहीं किए हैं उन्होंने, तो अल्टरनेटर हैज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग दी है विथ 120 स्लॉट्स। कितने स्लॉट्स है इसमें, 120 स्लॉट्स है, एंड 8 कंडक्टर्स पर स्लॉट, 8 कंडक्टर्स पर स्लॉट है, यानी हर एक स्लॉट में 8 कंडक्टर्स रहेंगे, ऐसे 120 स्लॉट्स रहेंगे। सॉरी, द फ्लक्स पर पोल इज 0.05 वेबर। फ्लक्स पर पोल यानी पाई की वैल्यू दी है आपको 0.05 वेबर, विच इज साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ डिटरमाइन द फेज एंड लाइन वोल्टेज, यहाँ पे भी आपको फेज एंड लाइन वोल्टेज निकालना है। तो सेम एग्जाम्पल जैसे फिफ्थ एग्जाम्पल देखा था अपने, वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, यहाँ पे एज्यूम किए हैं 8 पोल्स, और 8 पोल एज्यूम करके ये एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अगर आप 6 करोगे तो माइट भी आपका आंसर अलग आएगा, किसी ने सपोज 12 एज्यूम किए पोल्स तो उसका आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, तो एज्यूम करके सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखो एग्जाम्पल को। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दिया है, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए अपने को ये तो फॉर्मूला मालूम है ई फेज का, ठीक है, क्योंकि फेज वोल्टेज पूछा है 4.44 एफ इंटू सॉरी 4.44 पाई इंटू एफ इंटू टी इंटू के सी इंटू के डी, ये फॉर्मूला अपना ई एम एफ इक्वेशन का अल्टरनेटर का है। ये लिखोगे तो भी आपको आधा मार्क्स मिलेगा, देन ई एम की वैल्यू निकालने में नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तो 120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, 120 आपके नंबर ऑफ स्लॉट दिए हैं, और आपके नौ कंडक्टर, एक कंडक्टर पर स्लॉट की वैल्यू कितनी थी, 8 × 3 फेज है, तो 8 × 3 तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, एम की वैल्यू 5। उससे बीटा की वैल्यू निकालो 180 डिवाइडेड बाई एन पोल पिच, ठीक है, तो इससे पोल पिच यहाँ पे मालूम नहीं है, तो पोल पिच पहले कैलकुलेट करना होगा आपको, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल रहेगा उसका फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दिए हैं 12 डिवाइडेड बाई 8, तो 15 आ जाएगा पोल पिच। ये यहाँ तक सॉल्व करोगे आपको तो आधा मार्क मिलेगा, ये आधा और ये आधा, 1 मार्क हो गया। अभी बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, 180 डिवाइडेड बाय 15, तो बीटा की वैल्यू आ गई 12 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग फुल पिच कॉइल, अभी यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि वो शॉर्ट पिच कॉइल है या फिर फुल पिच कॉइल है, अज्यूम करें, तो यहाँ पे अज्यूम किया है फुल पिच कॉइल है, तब आपको केसी की वैल्यू 1 लेनी।
ऐसे एग्जांपल में नहीं दिया है तो भी आपको अज्यूम करना है कि फुल पिच कॉइल है या फिर वाइंडिंग है। तो केसी की वैल्यू 1 है, एडी का फॉर्मूला मालूम है, साइन ऑफ एम बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम साइन ऑफ बीटा बाई 2, वैल्यू पुट करो और केडी की वैल्यू निकालो। साइन ऑफ एम की वैल्यू कितनी आई है 5, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 12 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 साइन ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो केडी की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 0.956। अभी ये भी वैल्यू देख रहे हो आप 0 एंड 1 के बीच में ही है, तो यहाँ तक सॉल्व करोगे तो आधा मार्क फिर से मिलेगा आपको। फाइव की वैल्यू कितनी दी है 0.05 वेबर। देन छेड फेस टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज डिवाइडेड बाय 3। सो 120 into 8, 120 आपके कंडक्टर्स स्लॉट्स है एंड कंडक्टर्स पर स्लॉट की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 3 फेज सिस्टम के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मिल जाएंगे आपको 320। उससे नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज की वैल्यू निकाल सकते हो ई फेज, यानी इसको 2 से डिवाइड करना है तो 320 डिवाइडेड बाय 2 यानी टर्न्स पर फेज की वैल्यू मिल गई आपकी 160। अभी फिर से फॉर्मूला पुट करो, ई इंड्यूसिंग ईएमएफ पर फेज का फॉर्मूला 4.445 FTKC into KD। ठीक है, फिर से यहाँ पे आधा मार्क मिलेगा आपको। देन नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो सब, ई फेज इज इक्वल टू फाइव की वैल्यू है 0.05, फ्रिक्वेंसी दिया है 50, टर्न्स पर फेज की वैल्यू 160 है, केसी की वैल्यू अज्यूम किया है अपने 1 एंड केडी की वैल्यू आ गई आपकी 0.9567। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका डीसीएमएम पर फेज का 1699.09 वोल्ट्स। यहाँ तक सॉल्व करोगे फिर से आधा मार्क मिलेगा एंड लास्ट में लाइन वोल्टेज की वैल्यू √3 × E फेज रहेगा फॉर्मूला, तो ई लाइन की वैल्यू आ जाएगी 2942.93 वोल्ट्स, इसको आधा मार्क। तो ये एक, ये दो और तीन और ये चार, ऐसे चार मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, वैसे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए, आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और ये मैंने आपको तो मेन एग्जाम में पूछे हैं आपके एग्जांपल्स, वो यहाँ पे सॉल्व करके समझाए हैं आपको। ठीक है, आप बुक में जो भी एग्जाम्पल्स बचते हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते। ठीक, सो वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन। थैंक यू वेरी मच।